नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शाश्वत मॉम पे। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज का जो ब्लॉग का मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अभी शाम के आपके 6:30 बजे हुए हैं और आप देख सकते हैं शाश्वत अपनी दादी के साथ मस्ती कर रहा है और मैं भी बनाने के लिए लगी हुई चाय। तो आज हमने चूल्हा जलाया क्योंकि हमारा गैस ख़त्म हो गया था, जिसके कारण चूल्हा जलाया, सिलेंडर हमारा एक ही है, दो है नहीं, और आज शाम को ही ख़त्म हुआ तो मैं भी कल हम लोग गैस फिल करवा लेंगे। और देखिए, शाश्वत दादी के साथ मटर छुड़ा नहीं रहा है, मटर खा रहा है, ऐसा ही करता है वो। जितना मतलब मटर निकाला जाता है ना, वो तो लगता है आधा खा ही जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद उसे हटाया जाता है, फिर वो उसको साइड किया जाता है, तब जाके वो मानता है, वरना वो मानता ही नहीं। तो अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है, आपको पता ही, लेकिन जब चूल्हा जलाए तो बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है। पूरा घर आपका गर्म गर्म लग रहा है हमारा, हीटर की ज़रूरत नहीं है हीटर जलाने के। हीटर हम कोई जला भी नहीं पाते हैं क्योंकि शाश्वत के हीटर से नहीं जलाते हैं, क्योंकि हमारा वो पहले वाला जो हीटर है, इस पर कॉइल्स दिखता है ना, वो वाला हीटर है हमारे यहाँ। और एक है भी तो वो बार बार जाकर टच करते रहता है, इसलिए हम वो हीटर नहीं जलाते। तो ये मैंने दूध बॉयल किया, और आप सोच रहे हो कि दूध जब मैं चाय बना रही तो दूध मैंने क्यों निकाल लिया, क्योंकि मेरी सासू माँ को डॉक्टर ने चाय पीने के लिए मना किया हुआ है, तो वो कॉफ़ी पीती है। तो वही बॉयल दूध पे हम चीनी भी डाल दिए थे पहले ही, तो उसी पे हम थोड़ा सा पाउडर डालते कॉफ़ी पाउडर, और उनको मैं दे देती हूँ। सासू माँ मेरी कप पे चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीती है, उनको ग्लास पे ही चाहिए। वो बोलती है कि कप पे उनका मतलब अच्छा नहीं लगता, उनको पीने पे हैबिट नहीं है उनको, तो उनके लिए मैं ये कॉफ़ी बना रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा था, थोड़ा सा मेरे को चीनी कम लग रहा था, तो इस पर मैं थोड़ा सा चीनी ऐड कर देती हूँ, और ये उनके लिए बन चुका है कॉफ़ी, और मैं बनाऊँगी चाय। तो चाय मेरा आज एकदम स्पेशल चाय है, क्योंकि मैं कभी कभी चाय पीती हूँ, पर डे मैं चाय पीती नहीं है। कभी मेरे को इच्छा किया तो मैं उसी वक्त चाय पी लेती हूँ। तो चाय पे मैंने हाल डाला है तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता को मैंने क्या किया है कि मैं सुखा के रख लेती हूँ तुलसी पत्ता को, ये धूप पे नहीं सुखाती हूँ मैं, उसे धो के घर पे ही रख देती हूँ सूप पे करके, और एक सप्ताह मतलब एक सप्ताह नहीं, 2-4 दिन में वो सूख जाएगा। पर मैं क्या करती हूँ, संडे को मैंने सुखाया था, और वो तोड़ा हुआ पहले ही का था, क्योंकि संडे को तुलसी पत्ता छूते नहीं हैं, सैटरडे का ही तोड़ा हुआ था, तो उसको धो था कि मैंने रख दिया था संडे को और सुखाया था और सूप पे रखा था। तो उसे मैं बीच में नहीं रख पाई थी, बहुत बिजी शेड्यूल हो गया था, ठंडा भी है, आप जान ही रहे हैं। तो उधर से आने के बाद भी मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी वापस आने के बाद, तो मैंने वो तुलसी पत्ता एक सप्ताह के बाद रखा था। तो वो लेकिन अच्छी थी कि वो बहुत अच्छी तरह से सूख गया था। तो देखिए, ये दूध बॉयल हो चुका है, तो इसमें मैंने डाल दिया आपका अदरक, तुलसी पत्ता, लौंग और चाय पत्ती डाला है, और थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर ले रही हूँ उस पर, क्योंकि थोड़ा सा मीठा कम लग रहा था। और ये देखिए शाश्वत को, देखिए शाश्वत की बदमाशी नहीं रुक रही। अक्सर ऐसा होता है कि अभी जो ठंडा का दिन है ना, तो मैं आती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि शाश्वत को मैं सुला दूँ, पर आज नहीं कर पाई क्योंकि आज खाना बनाना है मेरे को। और देखिए चाय बन चुका है, तो चलिए हम पीने। और देखिए शाश्वत, अभी हम मिक्सी निकाले मसाला पीसने के लिए, क्योंकि चिकन बना रहे हम, तो चिकन बनाने के लिए कूटे हुए मसाले उतने अच्छे नहीं लगते हैं, मिक्सी में पीसा पीस लूँगी सारे, बहुत सारे मसाले हैं वो। और हस्बैंड को मैंने ये चाय दे दिया, उनको भी ग्लास पे ही चाय पसंद है, एक कप चाय उनको पता नहीं पसंद, और ग्लास पे ज़्यादा चाय पीते हैं वो, इसलिए उनको ग्लास पे दिया है। और मेरी भैगनी है सुलेखा, उसके लिए भी मैंने चाय निकाल दिया है। और देखिए, एक बार तो मैं ले गई, दूसरी बार आ चुका है ये यहाँ पे। जब तक मिक्सी का ये आपका डब्बा रहेगा ना, ये उसी पर लगा हुआ रहता है, और चूल्हा जला हुआ था, तो हस्बैंड वहाँ पे आके हाथ पैर सेक रहे थे, तो हमें बनाना था जीरा राइस, तो वो बोले लाओ हम ही बना देते हैं। इस पर सिर्फ मैंने सारा चीज़ डाल दिया था, वो बैठ कर सिर्फ चला रहे थे ऐसा से बस। तो ये हमारा जीरा राइस इधर रेडी हो रहा है, तब तक शाश्वत भी बैठ गया चौकी पर, आप देख सकते हैं। और हाँ, शाश्वत को मैं क्या करती हूँ ना, अभी तो आपका ठंडी का दिन आ चुका है, तो शाम को आने के बाद मैं तेल मालिश कर देती हूँ, तो मैं इसका तेल मालिश अभी एक बार कर चुकी हूँ। और तेल मालिश करने के बाद कोशिश करती हूँ कोई सुला देने का, पर आज ये सो नहीं रहा है। और ये देखिए, मैंने मसाला भी पीस लिया है मिक्सी में,
और देखिए चिकन के लिए ये मसाला पिस चुका है मेरा। तो इस पे सारे खड़े गरम मसाले थे आपके, लहसुन मिर्चा जीरा गोलकी आपका दालचीनी छोटी इलायची बड़ी इलायची जावित्री सारा चीज़। और हस्बैंड का डिमांड है कि आज चिकन पे आपका गाजर और मटर छीमी, क्योंकि सब्जियों का मौसम है तो ये डाल के बनाओ, तो उनके हर डिमांड को मैं पूरा करती हूँ। तो आज कैसे सोच छोड़ सकी थी। और ये देखिए शाश्वत फिर आ गया मेरे पास। तो चिकन बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने तेल डाला कढ़ाई पे, उस पर थोड़ा सा जीरा डाल दिया और दो तेज़पत्ते डाले हैं, और उसको अब हम होने देते हैं थोड़ा सा रेड, उसके बाद डालते हैं। तो देखिए शाश्वत को प्याज बहुत ही फेवरेट है, अगर आप प्याज काट के रख दो तो वो खा जाएगा, आधा प्याज खा जाता है वो। और अभी का प्याज तो आप जानते हैं कितना तीखा होता है, पर पता नहीं उसे तीखा लगता है कि नहीं लगता है। तो फाइनली तेज़पत्ता रेड हो चुका था तो हम इस पर डाल दिए प्याज, और प्याज थोड़ा मेरा रेड हो चुका है इस पर देख सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा अब मसाला ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम नमक डालें, और इस पर डाला है मैंने हल्दी धनिया पाउडर, और जो भी मेरे पिसे हुए मसाले थे ना वो सारे मैं इस पर ऐड कर दूँगी। तो ये मसाले ऐड करने के बाद लमसम हम ज़्यादा नहीं 5 मिनट तक इसको पका लेंगे, जब तक मसाला मतलब तेल नहीं छोड़ने लगता ना कढ़ाई की साइड साइड। तो देखिए ये मसाला मेरा पूरी तरह से रेडी हो चुका है, देख सकते हैं कि साइड पे ये तेल छूट रहा है। तो इस पे मैंने डाल दिया चिकन, चिकन मैंने लमसम आज 1 kg यूज़ किया है, 1 kg के लमसम में चिकन है। चिकन पे मेरे को उसका चिकन का लेग पीस और उसको पॉट के लिए अच्छा लगता है, पर पॉट के लिए जी लाते ही नहीं मेरे हस्बैंड, लेग पीस तो ले आएंगे, पता नहीं उनको क्या एलर्जी है। और शाश्वत देखिए मेरा आगे पीछे ही मंडरा रहा है, ऐसा ही करता है जब तक मैं रहूँ ना तो वैसा ही करता है। तो चिकन डालने के हम 2 मिनट उसे भूजे हैं, और उसके बाद उस पर टमाटर गाजर और ये आपका मटर डाल के उसको भूजा है। देखिए और इसे मैं पूरी धीमी आंच पे ही भूज रही हूँ। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे चूल्हे पे कैसे धीमी आंच हो सकता है, चूल्हे पे भी धीमी आंच हो सकता है अगर जैसे कि उचकुन मतलब कैसा समझाएं मैं आपको, उस पर ठेगा लगता है ना, अगर वो ठेगा हटा देना तो वो धीमा आँच हो जाता है। अगर ठेगा लगाइएगा तो उस पर अगर हवा आसपास होता है तो आपका तेज होता है। तो बाप बेटे अभी मस्ती कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और ऐसे में रेगुलर जब भी आती हूँ तो मैं शाम को ठंडी में खाना नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि कोशिश करती हूँ कि सासुवत को मैं सुला दूँ, क्योंकि वो आजकल लेट से सो के उठता है, तो ठंडा का मौसम है और दिन भर सोता भी नहीं है। तो इसलिए मैं आने के बाद कोशिश करती हूँ उसको तेल लगा के दूध पिला के सुला दूँ, जिसके कारण मैं खाना कभी कभी नहीं बना पाती हूँ, कभी कभी बना लेती हूँ, नहीं तो मेरी भाई नहीं बनाती है रात का खाना। और ये देखिए सासुवत इसीलिए इसको सुलाना पड़ता है मेरे को, क्योंकि इतना बदमाशी करता है कि घर के सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, दिन भर तो करता ही है और रात में फिर उसको वही लगा रहता है। तो देखिए मीट मेरा अच्छी तरह से हम भून चुके हैं, सारा इस पर जितना पानी निकला था वो सारा सॉक हो गया है। तो इस पर हम थोड़ा सा ग्रेवी रखना है मेरे को ना, तो इस पर हम थोड़ा डालेंगे पानी और इसे एक बजाने देना है बस, और कुछ नहीं। और लास्टली सारे लोग खा चुके हैं, मैं सासुवत को सुला के खाने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि वो अगर जागा हुआ रहेगा तो किसी को खाने भी नहीं देगा, इधर इसका खाना छीटेगा तो उसका खाना छीटेगा। तो खाना उना खाने के बाद लास्टली मैंने बर्तन वर्तन सारे धो लिए हैं, और बर्तन धोने के बाद मैंने क्या किया कि गर्म पानी मैं रखती हूँ बोतल में डाल के, क्योंकि रात को शाश्वत को भी दूध पिलाना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि अभी गैस ख़त्म हो गया है तो अभी उसको पाउडर दूध पिलाना पड़ेगा, क्योंकि रात को मैं दूध गर्म कर नहीं पाऊँगी। तो सारे काम निपटाने के बाद मैं जा रही हूँ, अब सोने तो मैं नहीं जा रही हूँ, सारे काम हो गए तो मैं एक गिलास पानी पी ले रही हूँ और पानी में रख दे रही हूँ। और अभी मैं इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं ना इसकी एडिटिंग करने के लिए जा रही हूँ। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर।